चलो स्टार्ट। तो सेफ्टी के बारे में आप लोग जान गए। सेफ्टी बहुत सारा प्रकार का होता है, शरीर का सेफ्टी, आपका हेलमेट चाहिए सेफ्टी के लिए, जैकेट चाहिए आपका सेफ्टी के लिए, आपका जूता चाहिए, शो चाहिए पैर में, आपका हाथ में ग्लव्स चाहिए, आपका आंख में गूगल चाहिए चश्मा, अगर कोई जी पत्थर तोड़ने का कुछ काम करते सीमेंट का करते हैं तो माउस मास्क चाहिए ना, अगर साउंड में अगर करते हैं काम तो हेडफोन चाहिए, ईयरफोन कहा जाता है कान में जो कि अंदर आवाज कम जाए, तो ये सेफ्टी चाहिए। अगर ऊंचा पर अगर काम कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होता है होता ना, सेफ्टी बेल्ट भी हम लोग लगा करके काम करते हैं। सेफ्टी बेल्ट काम कब लगाना चाहिए, जब अपने से ऊंचाई पर काम करते अपने जगह पर से, आप जितना हाइट का है उससे अगर ऊंचा जगह पर काम की जगह तभी लगेगा, तब आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ेगा, सेफ्टी बेल्ट लगा करके ही काम करना पड़ेगा, ये सेफ्टी रूल है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा कंपनी में फाइन हो जाता है अगर नहीं लगाती है, ताकि वह आपका सुरक्षा, पहले आपका सुरक्षा देखती है कंपनी, आपका सुरक्षा उसके बाद काम, ताकि बहुत जवाबदेही होता है कंपनी को ना, आपको किसी भी तरह से कुछ हो जाता है तो बहुत जवाबदेही हो जाता है, इसलिए पहले आपकी सुरक्षा करता है उसके बाद आप काम लेगा। चलिए सेफ्टी का हो गया, टूल्स का भी जो काम कीजिएगा उसके अनुसार से टूल्स होता है, ईटा का वर्क कीजिएगा तो ईटा जोड़ाई का काम कीजिएगा तो उसका टूल्स होता है, अगर प्लास्टर का कीजिएगा तो प्लास्टर उसका अलग होता है टूल्स, अगर आरसीसी का काम कर रहे हैं तो उसका टूल्स, कुछ अंतर रहता है ना, कुछ रहेगा उसमें टूल्स कुछ नहीं रहेगा। ये हमारा हो गया, अब चलिए हम लोग फर्स्ट में रूम का लेआउट, रूम का लेआउट के बारे में हम लोग जानते हैं, अगर 10x10 का रूम ले आउट करेंगे तो मोटा मोटी लेकर के चलना पड़ेगा, मेजरमेंट टेप चाहिए, लाइन डोरी चाहिए, चूना चाहिए, कील चाहिए, क्या ये सभी, अगर फावड़ा है तो फावड़ा भी लेना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ जाएगा तो, इसके तहत हम लेकर के हमको रूम ले आउट करना, अगर रूम 10x10 का बनाना है चारों बगल कर लिया रूम ले आउट हो गया, रूम लेआउट करने के बाद उसको गुनिया करना पड़ेगा, गुनिया हम लोग तीन प्रकार से करेंगे, पहला 3-4-5 मेथड, 3-4-5 के द्वारा भी हम लोग गुनिया करेंगे, 3-4-5 एक लाइन पर आप ले लीजिए मेन सेंटर पॉइंट से 3 फीट ले लीजिए, फिर सेंटर से दूसरे दीवार पर क्या लीजिएगा 4 फीट लेंगे, वहां मार्कर लगा देंगे और जहां मार्का 3 और 4 का लगाए वहां से फिर पौना पौने मिला देंगे, तो अगर 5 फीट बन गया तो वह मेरा क्या है दुनिया सही है। तो इसी तरह हम लोग बारी बारी से करेंगे, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे ये दुनिया करेंगे चारों कोना का, फिर दूसरा मेथड बताए थे कि आपका कोना कोना भी क्रॉस क्रॉस कोना कोने कोना कर लीजिएगा, वह नाप ले लीजिएगा तो उससे भी दुनिया हो जाए होता है ना, ये क्रॉस करके यहाँ से ले लिए और फिर ये क्रॉस करके यहाँ से लिए, एक ही नाप का होगा उससे भी आपका क्या होता है गुनिया हो जाता है। दूसरा तीसरा तरीका होता है एक गुनिया आता है टूल्स, उस गुनिया को टूल्स को रख करके भी गुनिया किया जाता है, तो ये तीन तरीके से गुनिया करते हैं।